चलिए जारी रखते हैं इस सफर को, कुछ और दूर चलते हैं साथ साथ। कई जिंदगी के साथ सफर करते करते वे कई मुकाम से गुजरी। उसको जिस रास्ते पे ले जाती कुदरत, वह उस रास्ते पे चलती। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस एक अटूट विश्वास के साथ दिखाए हुए बाट पे चलती। कुछ अनुभव ऐसे होते कि वो दंग रह जाते, कुछ सवाल बनके उसके जहन को विचलित करते, कुछ जवाब बनकर उसको राह दिखाते। लोग जैसे किताब बन गए थे उसके लिए, और वह उन किताबों को पढ़ती, उन्हें जानती, मगर उनकी जिंदगी का वैषम्य देख सोच में पड़ जाती। एक तरफ वह लोगों की रूहानी वास्तविकता से वाकिफ होती, तो दूसरी तरफ उनकी जिंदगी में बेरुखी के अनुभव पे हैरान होती। वो हैरान होती कि इतना गहरा है बंधन लोगों का कुदरत के साथ, मगर उसकी एक तिहाई भी नहीं अनुभव उनमें। क्या है ये राज? हर सवाल का जवाब उनके अंदर ही दिखता, मगर वह लोगों को हर छोटे बड़े सवाल के साथ जूझते देखते। सवाल अंदर के एहसास का होता और वह जवाब ढूंढते अपने बाहर। शरीर की पीड़ा के साथ सालों गुजार लेते, जबकि उसके अंदर ही उसका हल होता। उनके रूह में इतनी स्पष्टता, मगर उनके जिस्मानी एहसास में इतनी विकृति। अंदर की दुनिया आईने की तरह साफ, मगर उस दुनिया का अनुभव इतना धुंधला, मानो वे अंदर और बाहर दो अलग इंसान हो। उस पर वह और परेशान इस बात पे होती कि लोग इस विकृत एहसासों को आराम से जिए जा रहे थे, इसे ही हकीकत मान के निभाए जा रहे थे। वह ये समझ नहीं पाती लोग ऐसे कर क्यों रहे थे। उनकी असलियत और उनकी शख्सियत उनके बाहर हूबहू क्यों नहीं दिखाई देती। उनका वजूद कुछ और है, मगर वह कुछ और दिखा रहे थे। लोग ऐसे जिंदगी जिए जा रहे थे जिसके लिए वे बने ही नहीं। जैसे जैसे वह हर एक इंसान की जिंदगी से जुड़ती, उनकी कुदरती रचना देखती, मगर उनको गैर कुदरती प्रक्रिया दर्शाते देखती, तो मचल जाती उनको एक दबी हुई जिंदगी जीते देख। शुरुआत में वो समझ नहीं पाती कि इन सब में वह कहाँ है, क्या है वास्तव में ये, क्या है वास्ता उसका इन सभी बातों से। जैसे जैसे उसके अनुभव उसके भीतर समाने लगे और वह उनको गहराई से पहचानने लगी, उसको एक बात समझ आई, यह आज के जीवन की वास्तविकता है। लोग अपनी जिंदगी को पूरी तरह महसूस नहीं कर पा रहे हैं। जिंदगी एक भरपूर अनुभव नहीं है उनके लिए। उनके अंदर असीम प्यार है जन्म से ही, मगर उसका अनुभव अत्यंत सीमित है। लोग एक दूसरे के साथ एक अटूट बंधन से जुड़े हैं, मगर उनका एहसास इसके बिल्कुल विपरीत। एक दूसरे से जुदा, हिस्सों में बटे, अंतर में अकेलेपन का एहसास। जीने के नियम जैसे उन पे लागू ही नहीं होते। इस जहां को चलाने वाले सूत्रों के साथ जैसे कोसों दूर है। उनके रूह में कुदरत की आवाज जैसे गूंजती ही नहीं। खुदा का एहसास उन्हें जैसे छूती ही नहीं। दिल की आवाज जैसे उनको सुनाई नहीं देती। उसको ये बात समझ आ गई थी कि ये कुछ इंसानों की बात नहीं है, ये पूरी इंसानियत की कहानी है। और इस कहानी के पीछे की कहानी खोलने के लिए उसे जो दिखाया जा रहा था, वह एक ऐसी सच्चाई थी जो आगे जाकर बहुत सारे सवालों का जवाब बनता। वह ये जान गई थी कि उसे इस दुनिया के साथ चलना होगा, इसी दुनिया के बीच में रहते हुए अपनी सच्चाई जीते हुए उसे लोगों को फिर से बांधना है इस जहां के सूत्रों से, कुदरत के नियमों से।
हर उस इंसान के पास पहुंचना होगा जो ढूंढ रहा है अपने होने के एहसास को। चलते चलते हम उसके करीब पहुंच रहे हैं। अगली बार हम और आप एक बार फिर उसकी किताब के चंद खास पन्ने खोलेंगे। बस ज़रा इंतज़ार कीजिएगा। अब तक जो सुना था उसके बारे में ज़रा सोचिएगा। फिर मिलते हैं कुछ ही देर में।